Reaction TV. उन तमाम मेरे हीरा गोल्ड फैमिली और जितने भी मेम्बरान हैं वो सारे लोगों को मेरे बुजुर्ग मेरे बच्चों मेरे भाई बहनों आप सबको अस्सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाह व बरकातहू। बहुत दिनों से काफ़ी लोगों को मतलब इस बात की शिकायत थी कि आपा आप कहीं दिख नहीं रही हैं, क्या बात है, और सारे लोगों के फ़ोन मुझको आते रहे हैं, सारे लोगों के मैसेजेस मुझको मिलते रहे हैं। लेकिन बात ये है असल में कि आप सबको मालूम है कि मैं बहुत कम ऐसे भी वीडियो ऑडियो बनाती हूँ। बहुत ही ज़्यादा अगर कहीं ज़रूरत होती है, महसूस होती है, तो तब ही मैं मतलब करती हूँ। लेकिन हाँ, आजकल कुछ ज़्यादा दूरी इख्तियार हो गई, तो उसकी वजह ये थी कि काफ़ी दिनों से मैं बहुत बीमार चल रही, और बीमारी की वजह से मैं बात करने में भी मुझको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ थी और मैं बात नहीं कर सकती थी। इस वजह से मैं और भी आप लोगों के साथ नहीं रह सकी। लेकिन मैं हर वक्त आप लोगों के लिए दुआ करती रही हूँ और इंशाअल्लाह करती रहूँगी। जबकि ना मैंने कभी अपना नाम बताया, ना मैंने कभी अपना कोई इंट्रोडक्शन दिया, लेकिन उसके बावजूद भी आप सारे लोगों को मेरी आवाज़ आप लोग पहचाने और मुझ तक आप लोग अपने मैसेजेस को भेजते रहे, और जिसके पास मेरा नंबर है वो सारे लोग मुझे कांटेक्ट करते रहे। कुछ लोगों से बात कर पाती थी और कुछ लोगों से नहीं कर पाती थी मैं। लेकिन यकीन करें, मेरा कोई पल कोई लम्हा ऐसा नहीं था जो मैंने आप लोगों को याद नहीं रखा, या आप लोगों को मैंने अपनी दुआओं में नहीं रखा, या मुझे आप लोगों की फिक्र नहीं थी। अल्लाह ताला कहते हैं और सारे लोग भी कहते हैं कि एक मरीज़ की दुआ अल्लाह ताला बहुत जल्द कबूल करते हैं। मैं नहीं जानती कि मेरी दुआ कबूल हुई या नहीं हुई, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन हाँ, कुछ लोगों को इस बात की गलत फहमी हुई कि शायद हम लोग डर गए हैं या मैं डर गई हूँ, इसलिए मैंने हीरा गोल्ड से दूरी इख्तियार कर ली। तो यकीन जानिए, मैंने कभी भी हीरा गोल्ड से दूरी इख्तियार नहीं की। ये अलग बात है कि मेरी सेहत ने नहीं साथ दिया और आप लोगों के बीच मेरी आवाज़ नहीं रही, लेकिन मैं आज भी उतने ही जज्बात से मैं हीरा गोल्ड के लिए खड़ी हूँ और आगे भी खड़ी रहूँगी। और हर वो झूठ जो लोग बोलते हैं उन पे से मैं पर्दा हटाती रहूँगी। जो लोग भी पैनिक कर रहे हैं या गलत मैसेजेस आप लोगों को भेज रहे हैं या यूट्यूब बना रहे हैं कि भाई सिर्फ कंप्लेनर को पैसे मिलेंगे, नॉन कंप्लेनर को नहीं मिलेंगे, तो मैं उन तमाम अपने बुजुर्गान और बच्चों और भाई बहनों से दरख्वास्त करती हूँ, ये मेरी दरख्वास्त है कि आप लोगों को किसी भी बात पे पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है।
जब इंसाफ होगा तो सबके साथ होगा, चाहे वो कंप्लेनर हो और चाहे नॉन कंप्लेनर हो। लेकिन कंप्लेनर में आधे से ज़्यादा डम्मी कंप्लेनर हैं, बहुत कम है जो हीरा गोल्ड के मेंबर्स होते हुए और कंप्लेन किए हैं। और यही वजह है कि दुश्मनों की सबसे पहले यही हार हुई है कि आज 13 महीना अंदर रखने के बाद और आज पैसा बंद होके 2 साल होने को आए हैं, और उसके बावजूद भी मैं उन तमाम मेम्बरान की शुक्रगुजार हूँ जो पर्सनली मुझसे बात करते रहे हैं, जिनके घरों में खाने का एक दाना नहीं है, फाका करने की नौबत है और कर भी रहे हैं। कई लोगों को मैं जानती हूँ जो मैं पर्सनली मैं उनके घरों में गई हूँ, उनके घरों को देखा है, और इसमें कोई झूठ नहीं। उसके बावजूद भी वो सारे लोगों से मैं मिली और वो एक ही अल्फाज कहते रहे कि आपा हमें पता है, जब मैं उनसे बात करती हूँ तो कहते हैं आपसे बात करके इतनी तसल्ली हमें मिलती है, आप यकीन करें हमारा रोम रोम नोहरा आपा के लिए दुआएं मांग रहा है। और चाहे हमारे साथ जो भी हो, जब तक के अल्लाह की मर्जी नहीं होगी तब तक कुछ नहीं होना है। जिस दिन अल्लाह ताला चाहेगा, असदुद्दीन क्या और भी कोई क्या उनको अंदर नहीं रख सकेगा। और आज सारे इन्वेस्टर्स ये जान चुके हैं कि असदुद्दीन के ओवैसी के जो ये चमचे हैं, शहबाज खान को छोड़ के रखा है या सैयद यूनुस को छोड़ के रखा है या और भी तमाम लोगों को छोड़ के रखा है, ये सिर्फ इसके प्यादे हैं। असल गेम असदुद्दीन ओवैसी खेल रहा है और मुसलमानों को बर्बाद करने के लिए शायद अल्लाह ने इसको पैदा किया है। कहते हैं ना, हर दौर में एक फिरौन होता है, शायद इस दौर का ये फिरौन है और कुफारों से भी ज़्यादा गया गुजरा है। जब उसके एक एक चीज़ें, उसके एक एक डायलॉग मैं लोगों को बताती हूँ ले जाकर, कितने बेचारे ऐसे हैं जिनको YouTube, Facebook मालूम ही नहीं है, सिर्फ अल्लाह तवक्कल करके बैठे हैं और भूले भटके कहीं से मेरा नंबर मिल जाता है तो मुझको कांटेक्ट करते हैं और मुझसे बात करते हैं, चाहे सऊदी से हुआ या कुवैत से हुआ या बहरीन से हुआ या दुबई से हुआ, कहीं से भी। बहुत लोग ऐसे हैं कि मैं किसी को नहीं जानती हूँ लेकिन लोग मेरी आवाज़ को जानते हैं, मेरी आवाज़ एक को पहचान कर और मेरा नंबर निकालते हैं और मुझ तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। तो ये अल्लाह ताला का बहुत बड़ा कर्म है मुझ पर कि ये सारे तमाम इन्वेस्टर्स जो मुश्किलों में जूझ रहे हैं और मुश्किलों में हैं और उसके बावजूद भी सब्र का दामन नहीं छोड़े हैं, सब्र के साथ सिर्फ अल्लाह तवक्कल करके बैठे हैं। मैं उन तमाम लोगों से मैं कहती हूँ कि मेरा इसमें कोई रोल नहीं है, मैं आप तमाम लोगों को सैल्यूट करती हूँ और एक बार नहीं लाखों करोड़ों बार मैं आप सबको सैल्यूट करती हूँ जो आप लोगों ने सब्र बनाए रखे। और आपका सब्र देखकर शायद मुझको भी बहुत सब्र आता है। और मुझे इस बात की खुशी है कि आप लोगों ने इतना प्यार मुझको दिया कि आप लोगों की हिम्मत से मैं अपनी कई चीज़ें पर्सनल में मैं हिम्मत आती है मुझको अपनी लड़ाई लड़ने में। जब भी मेरे सामने कोई मुश्किल की घड़ी आती है या कुछ ऐसा वक्त आता है तो
मैं आप लोगों की बातों को याद करती हूँ और बातों को याद करके यकीन जानिए कि मैं सोचती हूँ मैं आप लोगों की हिम्मत नहीं बल्कि आप लोग मेरी हिम्मत हो। और नहरा आपा जो एक पर्देदार बाइज्जत लेडी हैं, आज उनकी इज्जत को कैसे पामाल किया जा रहा है। लोग अपने आप को मुसलमान कहते हैं लेकिन मुसलमानों के नाम पर ये लोग धब्बा हैं। कुछ लोग ऐसे हैं कि अपने मतलब के लिए अपनी बीवियों को आगे कर देते हैं, खुद चूहे की तरह बिल में छुपे बैठे रहते हैं, सामने नहीं आते मुकाबला करने, लेकिन कहीं पुलिस स्टेशन या कहीं ऐसी ज़रूरत पड़ती है तो अपनी बीवियों को आगे कर देते हैं। लानत है उन मर्दों पर जो अपनी बीवियों का इस्तेमाल करते हैं और अपने आप को मर्द कहलाते हैं। इससे बेहतर है कि शायद ये लोगों के नसीब में ही हराम रोजी लिखी है। अगर इनको यही बेहतर लगता है बीवियों को आगे करके कमाएं और आगे रास्ता बनाएं। कुछ लोग अल्लाह रसूल का वास्ता देते हैं और अल्लाह रसूल का वास्ता देकर भी झूठ पे झूठ बोलते हैं। और उन्हें ये भी डर नहीं होता कि एक रिस्पेक्टेड लेडी को ये लोग इतने सारे नामों से खिताब करते हैं जिनका नाम नहरा आपा है। आज कई लोगों के घर को बहरहाल संभालने की उनकी ताकत नहीं थी लेकिन अल्लाह ताला शायद उनके हाथों काम लेना चाहता था और उनको जरिया बनाया था। और वो हीरा गोल्ड कंपनी के नाम पे उभरी और आज करोड़ों के दिल पे वो राज कर रही हैं। इसलिए नहीं राज कर रही हैं कि वो पैसे दे रही थी या आपको प्रॉफिट दे रही थी, नहीं, बल्कि वो इसलिए राज कर रही थी कि वो एक बहुत अच्छी इंसान है, गरीबों की हमदर्द हैं। और उन्होंने कई एक ऐसे काम किए जो आप लोगों के सामने एक जिंदा मिसाल है। आप लोग मुझे बताएं असदुद्दीन ओवैसी ने ऐसी कौन सी मिसाल कायम की है। बाबरी मस्जिद के बारे में देख लीजिए, जब शहीद हुई तो इनके वालिद का हाथ था, आज भी इनको पैसे मिलते हैं भड़काऊ भाषण देने के लिए। जो ये बोलते हैं ये अल्फाज इनके नहीं हैं, लिखता कोई और है और बोलता कोई और है, और इनको भड़काऊ भाषण के लिए ये पैसा बनाते हैं। शायद इनको ये भूल गए हैं असदुद्दीन ओवैसी कि इनको मरना नहीं है, सिर्फ इन्हें दुनिया में रहना है। और बड़े शर्म और बड़े अफसोस की बात है कि आप बैरिस्टर होकर और दीन की इतनी मालूमात होने के बावजूद एक काफिर से भी गए गुजरे हैं। कम से कम वो लोगों के भी दिल में रहम है, लेकिन इस असदुद्दीन ओवैसी के दिल में रहम नहीं है। आप 25 लाख लोगों के घरों को जो भूख मरी आई है और जो बच्चे स्कूल से बेस्कूल हुए हैं, जो अच्छे स्कूलों से म्युनिसिपैलिटी में आ गए हैं, वो सब का जिम्मेदार सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी है।
اور کوئی اس کا ذمہ دار نہیں ہے. اور انشاءاللہ اگر زندگی بخیر رہی اور اس کا پاپ کا گھڑا جس دن بھی بھر گیا اور جس دن اللہ تعالیٰ نے اپنی رسی کھینچی, شاید ایسا وقت ہوگا کہ آپ لوگ خود ہوں گے اس کو چپل مارنے کے لیے, کیونکہ اس نے ایک کو نہیں کئی گھروں کو برباد کیا ہے. اور یہ جو ان کے پیاندے ہیں کتوں کی طرح جو بھونک رہے ہیں, شاید ان کی نسل ہی کتے کی ہے اور وہ کتے کی طرح ہی بھونکتے بھونکتے مر جائیں گے. ان کے نصیب میں کتے کی طرح بھونکنے کے بعد ہی موت لکھی ہوگی. اور ان کے نصیب میں حلال روزی نہیں, حرام روزی ہے. اور جس کو حرام روزی لگ جاتی وہ حلال روزی کا مزہ نہیں جانتا ہے. جو لوگ حلال روزی کھانا جانتے ہیں ان میں بہت صبر اور بہت سکون ہوتا ہے. تو میں اپنے ان تمام ہیرا گولڈ فیملی کی شکر گزار ہوں جو آپ لوگ میری باتوں کو سنتے ہیں اور میری باتوں کا دھیان رکھتے ہیں اور صبر سکون سے بیٹھے ہیں. انشاءاللہ بہت جلد آپ لوگوں کا صبر رنگ لائے گا, اب زیادہ وقت نہیں لگے گا. اور اسی کے ساتھ میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتی ہوں. اور جس طرح آپ لوگ دعا کر رہے ہیں, اپنی دعاؤں میں اس ناچیز کو یاد رکھتے ہیں, اور خصوصاً سارے لوگ مل کے جو میرے لیے دعائیں کرتے ہیں میری صحت کو لے کے, میں ان تمام لوگوں کی شکر گزار ہوں. میں جتنا بھی شکر ادا کروں شاید وہ بہت کم ہوگا. الفاظوں میں شاید میں آپ لوگوں کے اس احساس کو بیان نہیں کر سکتی. آپ لوگوں کا احساس ہی میرے لیے بہت انمول تحفہ ہے. اور یہی انمول تحفہ لے کر میں آگے انشاءاللہ اور بڑھوں گی اور بھی جذباتی اور بھی ہمت میں اپنے اندر پیدا کروں گی ان سب کا جواب دینے کے لیے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ, جزاک اللہ خیر. اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر دے. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.